Hi guys, I'm Robot Atom. My real name is Atom 3.7. ओडिशा के ओरो में रहने वाले 12वीं के एक स्टूडेंट ने इंटरनेट से सीखकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो नमस्ते करने के साथ बोलना, चलना, हाथ मिलाने जैसी कई एक्टिविटीज करता है। ये मोबाइल से ऑपरेट होता है और कई सवालों के जवाब भी देता है। ये किसी की प्रेजेंस को फील कर उसका कमांड आसानी से समझ सकता है। नील का कहना है कि वो पिछले 5-6 सालों से रोबोट बनाने के बारे में सोच रहा था। गांव में इंटरनेट कैफे तो नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मोबाइल नेटवर्क आ गया था। उसने मोबाइल इंटरनेट से रोबोट बनाने की स्टडी की। इसके बाद 2013 में पहला रोबोट बनाया जो रिमोट कंट्रोल से चलता था। सबसे बड़ा इस्तेमाल है कि ये रोबोट आर्मी में डिफेंस में सोल्जर की तरह डिफेंस कर सकता है, इंडियन आर्मी में इस्तेमाल भी हो सकता है। इसे मैं 1-2 साल में बनाया हूँ। इसके लिए 3-4 लाख खर्चा हुआ है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरा रोबोट के लिए प्यार और हार्डवर्क की वजह से मैं रोबोट का सफल कर सका हूँ। बाद में ये रोबोट 50% ही सक्सेस हो पाया। उसके बाद उसने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फेल हो गया। लगातार सुधार और सीखने के बाद करीब 4.7 फीट का ये हाईटेक रोबोट बनाया। नील की माँ निरुपमा और पिता शशिकांत बताते हैं कि बचपन से ही बेटे का रुझान इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की तरफ रहा था। जब इसे कार, ट्रेन जैसे कुछ खिलौने लाकर दिए जाते तो ये उसे तोड़कर कुछ और नया बना लेता था। अब उसके बनाए रोबोट को देखने आसपास के गांव से भी लोग आते हैं। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। एटम कैन डांस।